तरीका है। जहाँ तुलवा अकरम आका सारी सकेर का उसमें मिला दी गेर का जितनी चरपड़ी चीनी दी थी बहनों आपा बाल्टी भर भर के रहे उन मचीनी में के जिस तरह और 100 मानस खड़े थे उड़ा नंबर ले बोले आज कोई ना बोलता तू क्यों रोड़ा मचावा है मचाओ के ना और कंप्यूटर की पर्ची क्यों नहीं काटता वो हर गेड़ा का कंप्यूटर की पर्ची कौन ही देता हाथ दे है हाथ बना दे दिल्ली के नरेला इलाके के घोगा गांव में एक राशन विक्रेता पर लोगों ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। घोंगा गांव के लोगों का कहना है कि गांव में एक राशन विक्रेता है जो कि सरकार द्वारा जो भी राशन दिया जाता है उसमें भ्रष्टाचार कर रहा है, जिसमें कि वह लोगों को राशन कम देता है और दूसरी तरफ वह एक ही दिन राशन देता है उसके बाद राशन नहीं देता, और साथ ही जो बायोमेट्रिक मशीन द्वारा पर्ची निकाली जाती है वह भी किसी को नहीं देता बल्कि अपने हाथ से पर्ची बनाकर देता है, जिससे कि लोगों को आराम से ठगा जा सकता है क्योंकि सरकार द्वारा बायोमेट्रिक मशीन दी गई है जिससे कि जितने भी व्यक्ति का भी नाम राशन कार्ड में होगा अपने फिंगरप्रिंट लगाएगा और उसके बाद जितने भी सदस्यों का नाम राशन कार्ड में केवल उतने की लोगों का राशन मिलेगा। गांव के लोगों ने कहा कि यह केवल इसी गांव में हो रहा है, साथ ही राशन विक्रेता घोगा गांव के काफी लोगों से फोन करे ये जानकारी दे रहा है कि आपका राशन कार्ड यहां से कट गया है और यूपी में आपका राशन मिलेगा, यदि आप राशन यहां इस गांव में चाहते हैं तो आप मुझे अपने आधार कार्ड की कॉपी और 300 रुपये जमा कर दो, जबकि गाँव के काफी लोगों ने इसके पास 300 रुपये जमा कर दिए। इस पूरे वाक्य के बारे में राशन विक्रेता से मिलने पहुंचे जिसके बाद वह दुकान पर नहीं मिला, लेकिन जब फोन पर संपर्क करा तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग यूपी में रहते थे उन्होंने दिल्ली में भी अपना राशन कार्ड बनवा लिया लेकिन ये सब आधार कार्ड से लिंक हो चुके जिसके कारण एक ही जगह राशन मिल पाएगा, लेकिन इस गांव में लगभग 120 व्यक्ति बताएं जिनके राशन कार्ड यूपी में भी है वह दिल्ली में भी है, लेकिन जब गांव वालों से जानकारी ली तो गांव के लोगों ने बताया कि हम पैदाइशी यही हुए हैं, सालों से यहां रह रहे हैं और यूपी में किसी भी तरह की कोई भी उनकी रिश्तेदारी नहीं है, तो उनका राशन कार्ड यूपी में कैसे जनरेट हो चुका। गांव के लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाया कि यह लोगों से धमकी देता है, तरह तरह की बात करता है और 300 रुपये ले रहा है, जबकि दुकानदार का कहना है कि जिस व्यक्ति का यूपी में ये हरियाणा में जो राशन कार्ड बना हुआ है उनके डॉक्यूमेंट दिल्ली के ही हैं, दिल्ली में राशन मिले उन सभी के कागज लेकर वह बड़े ऑफिस में जमा खुद करेगा जिसके लिए उसने कुछ खर्च के लिए पैसे लिए हैं। दुकानदार ने बताया कि उसके आने जाने का खर्चा व समय दोनों ही बर्बाद होती है जिसके लिए कुछ चार्ज के तौर पर उनसे पैसे ले रहा है। नाम बताइए। हरि प्रकाश। क्या समस्या है राशन कार्ड लेकर? राशन कार्ड के कल उन्होंने 300 रुपये ले लिए, बोले थारा राशन जो है वहाँ में लगा यूपी में। अच्छा। हाँ, यूपी का नाम लिया, दो रहेगा वहाँ मेरे पास। कितने रुपए ले रहा है? 300 रुपये लिए है, एक आधार कार्ड की कॉपी ली है, बोला नहीं तो कल तेरे को राशन नहीं मिला। अच्छा, मैंने 300 रुपये दे दिए। लगभग कितने लोग हैं ऐसे जिनके बारे में तुम जानते हो कि पैसे दिए? मेरे साथ एक वो जोगिन थी, इसकी थे भगवान की बहू, अरे एक इनका थे भगवान था इसका नाथे का और इस पर लिए कई जन थे। 500 आदमी के लिए स्टार है, 500 वहाँ पर लेने, नहीं तो तुम जाओ परेशान हो वहाँ दिल्ली विल्ली और वो ठीक करा के लाओगे जब राशन मिल जाएगा। अच्छा। हमने देने पड़ गए, मतलब दे दिए। मैंने कहीं भी मंगा यूपी में कैसे चले गए? हम जब हमारे राशन कार्ड यहाँ बन रहे हैं कदीम यहाँ है तो यूपी में चले गए, मान लिया बुआने चले जा नरेले चले जा नोवेले यूपी चले गए, कंप्यूटर में वो गलत हो गया थारा, वो यूपी गए। अच्छा, केवल आपके हमारे गांव में आए तो 2-3 दिन? नहीं नहीं, बात ही है तीन दो दिन से चल रहा है। अच्छा, एक एक नहीं मेरे राशन जो बांटे हैं जब तुम ये ठीक करा पैसे दे दो। चीनी कभी नहीं दे रहा, चावल राशन दे रहा ना, एक दिन राशन बांटे है, एक ही दिन बांटते हैं, अगले दिन जो रहेगा रहेगा। गुब्बा का रहने वाला समस्या है, समस्या किसी को मैं समस्या तो ये हो, राशन दे रहा ठीक है दुकान कर रहा है लेकिन स्लिप नहीं दे रहा किसी को भी, राशन कम दे रहा है सबको, टोल में भी कम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहा है भाई साहब, वो स्लिप नहीं दे रहा। मैंने धमतेना ली थी स्लिप, उससे कटवाई थी। हाँ, मैं स्लिप दे, जो इसमें राशन है वो राशन दे, उसमें चीनी खा रहा था वो चीनी थी स्लिप में, चीनी नहीं दे रहा था। गैल की गैल ली, स्लिप देना तो तेरी कंप्लेंट करूंगा। और जो नूके है आख भाई तू क्यों नहीं देता, तो ये नूके दे कितने जाओ राशन कार्ड कट जाएंगे। हाँ, कितने जाओ धमकी दे है ठीक। कितने लोग जिनको ट्रांसफर के लिए बताइए, तुम्हारा ट्रांसफर हो गया तुम्हारा, ये मेरा गांव में कितने होंगे, मारा था करे दिया यूपी में भेज दिए हम। आप दिल्ली के निवासी हैं? हम दिल्ली के निवासी हैं, यूपी में क्यों भेजे भाई? अच्छा, क्या सुनने में आया जो कितने पैसे ले रहा है? 300 रुपये मांगा है। और दे भी रखे हैं भाई जी, न दे रखे न दे भी रखे।
आमने और गाम का नहीं बेरा हमारी गल तो हो रही है और गाम कहता है भाई लुगाई है कड़ा जाके देखा है।